कोई दीवाना कहता है। अरे दाद देनी है, खाज नहीं देनी है। सुने, मस्ती के साथ सुनेगा, इसका वॉल्यूम बढ़ा दो भाई, मेरा कम है। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। नौजवान दोस्त मेरा साथ दें, मैं समझ गया कि तुम हो। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। अब दिल धड़के तुझे तालियों में बदलना। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। ये तेरा दिल, ये इस बार के सेमेस्टर में आने वाली है। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। बहुत अच्छे। तुम यहां थे, मैं तो तुम्हें आगरा में ढूंढ रहा था। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मेरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। ये पंक्ति सुना और आप तक पहुंच जाए तो सूचित करना। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। जो तू समझे तो मोती है। और एक बात और ध्यान से सुनना, आप उस दौर में हैं जब आप विशिष्ट हैं। जीवन को इस तरह जीना कि कोई मिले कभी तो खुद से नजर मिला सको। गालिब ने कहा, यह गालिब का शहर है दिल्ली, किसी से मिलने पर शेर सुनना बड़े शहर का। मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे आगे, मत पूछ के क्या हाल है। मैं आरईसी में पढ़ता था, एक सेमेस्टर छोड़कर भाग आया और यहाँ पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा इट्स बेटर टू बी अ गुड पोएट देन अ बैड इंजीनियर। अब तो मैं अपना ही भविष्य बिगाड़ रहा होता हूँ, पूरा बिगाड़ रहा हूँ, तब तो मैं देश का बिगाड़ रहा होता। तो पंक्ति पढ़ता हूँ, गालिब ने कहा, मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे आगे, तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। क्या बात। तब पंक्तियां सुना, कि समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता। लड़कों की खास दाद चाहिए मुझे। समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता। ये आंसू प्यार का मोती है, इसको खो नहीं सकता। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये आंसू प्यार का मोती है, इसको खो नहीं सकता। मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना, मगर सुन ले। और जो खुददार लोग हैं उनकी तालियां लहरती दिखाई दे। मेरी चाहत को अपना तू बना लेना, मगर सुन ले। जो मेरा हो नहीं पाया, वो तेरा हो नहीं पाया। जो मेरा हो नहीं पाया। और एक पुस्तक और सुनिए, इसके बाद कविता पढ़ता हूँ। प्रेम में जैसा गजेंद्र सोलंकी ने बताया, भारत बड़ा हिपोक्रेट देश है। प्रेम हिंदुस्तान में एक ऐसा विषय जिसमें केवल थ्योरी की क्लास चलती है। मैं आपको चार पंक्तियां पढ़ा था, सुनिएगा चार पंक्तियां। और ये बिल्कुल मस्ती की पंक्तियां हैं। बरसों प्रेम लिखने के बाद यदि आप प्रेम करें तो क्या दिक्कत आती है देश में, सुनिएगा। कि भ्रमर कोई कुमुदनी पर, मस्ती के साथ सुनना और मैं जो सुना वहीं पहुंचना, वरना स्लिप हो सकती है बात। भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा। हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा। अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का। वाँ वाँ वाँ। और प्रोफेसर की विदा चाहता हूँ,
इन बच्चों के साथ। अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का, मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा, मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो एक के कोई दीवाना कहता है अरे दाद देनी है खाज नहीं देनी है, सुने मस्ती के साथ सुनेगा, इसका वॉल्यूम बढ़ा दो भाई मेरा कम है। कि कोई दीवाना कहता है